सानू इन्हें 5 साल की सज़ा लाई है, सानू यह 5 साल का रुजगार दिता, असी तो जेलों में तैयार है उत्थे रोटी रुजी तो मिलेगी। बिल्कुल नहीं लाऊगा जी, गरीब किसान अग लाऊगा, असी उन्होंने सिर पर खड़ांगे, जो उन्होंने को रोकूगा असी उन्होंने कोल हो के आप अग लवावांगे। सानू एक करोड़ रुपया जुर्माना लाउंदा है, साढ़े को जो करोड़ा रुपया हो वसूलू कितों, असी तो पहला करजाई हाँ, साढ़िया जमीन बैंकों को पहला विजय मालिया तो 1400 करोड़ रुपया वसूले। तो मरण तो चंगा ही है कि असी अत्तवादी बन के क्यों ये जी काले कानूनों खिलाफ सरकार ना मत्था लाने लिए असी बिल्कुल तैयार हाँ। असी बिना सजा दे जे रोज फांसी चढ़ रहे हैं, सानू जेलों का की डर है, 5 साल की सानू जेल नहीं, 5 साल का सानू रुजगार दे रहा है, असी सारा पंजाब जेल जाने तैयार है। पंजाब विच पराली साड़ना बहुत वड्डा मुद्दा बन चुका है। दिल्ली वाले कहिंदे ने कि पंजाब का जिहड़ा धूआं साडी दिल्ली दे विच आउंदा ते उत्थे पोल्यूशन फैलाउंदा, ते किसान कहिंदे ने कि चाहे अकाली सरकार है, चाहे कांग्रेस सरकार आई होवे, चाहे बीजेपी सरकार होवे, पर किसी भी सरकार वल्लों पुख्ता प्रबंध जिहड़े पराली नूं लैके नहीं किते गए। असी किसानां दे कोल मौजूद हाँ, खेतों के मौजूद हाँ, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हाँ, तुसीं तस्वीरां दे विच किसान देख रहे हो, किसान वीर जिहड़े इत्थे मौजूद ने। किसानां दा कहना कि साडी मजबूरी है, चाहे सरकारां जो मर्जी कही जाण, साडी मजबूरी है, असी अग लावांगे, उस तों बगैर साडा गुजारा नहीं है। किसान आगू साडे नाल ने, किवें देखदे हो इस फैसले नूं? केंद्र सरकार कहिंदी जेकर अग लाऊंगे तो असी 1 करोड़ रुपये जुर्माना करांगे, 5 साल की सज़ा भी देवांगे। असी जी भारतीय किसान यूनियन लखोवाल प्रधान जिला भेड़पुरी तो बोल रहे हैं। जो ये सेंटर ने मोदी ने 1 करोड़ रुपया किसानों से पराली के फूकन वास्ते संबंध में जुर्माना किया, ये असी निंदा करते हाँ। भी 1 करोड़ रुपया तक 1 रुपया भी असं देने वास्ते तैयार नहीं है। पराली में असं अग लावे, कोई जिन्ना मर्जी जोर कर लवे, ला ले जतन, असी पराली में अग लाए बने सड़दा सड़दा, क्यों सरकार ने साढ़े वास्ते कोई साधन ही नहीं करके दते। जे सरकार सानू साधन करके दिंदियां तो असी पराली नूं अग लाउण हट जांदे। साढ़े ही बच्चे हन, सानू भी धुआं लगता है, साड़ी यह मजबूरी है। असी सरकार नूं यह कहना चाहुंदे हाँ, जिहड़ियां भी सरकार आउंदियां ने, पहला तो अकाली दल भी आया, कांग्रेस भी आई है, सारे ने वायदे किए ने किसानां नाल भी असी तुहानूं मशीनरी लैके देवांगे, तुहानूं सटैडियां दे विच भेजांगे मशीनरियां सारियां, कोई बिल्कुल नहीं सटैडियां दे विच भेजियां। केरा इन्हां ने 2500 रुपया किसानां नूं जी पराली फूकण दे लाया थी, भी असी किसानां नूं उह देवांगे, फंड देवांगे, बिल्कुल वह भी दे के 1 बारी 2 बारी दे के रोके हन। यह भी ये चीज़ कहने हन भी किसानां नूं असी देते बिल्कुल नहीं दते। असी मोदी सरकार नूं दसना चाहुंदे हाँ भी मोदी सरकार पहला ऑडियस बिल सरकार किसानां ते लागू किए ने, वह भी जिन्ना मर्जी जोर ला ले, वह भी असी पास होने देंगे। साडी जथेबंदियां सारियां जाग पईआं हन, सारे किसान जाग पए हन, असी बिल्कुल ये वास्ते तैयार नहीं है जुर्माना देने वास्ते। भी जिन्ना मर्जी है मोदी सरकार आपदे आप नूं बीजेपी दे मैदे कहिंदे हन, किसानां दे खिलाफ़ बोलते हैं भी किसानां नूं असीं आए कर देवांगे, फलाना कर देंगे, साडे च पूरा रोस है, गुस्सा है। जिहड़े किसानां नूं कहिंदे ने विचोलीए हन, किसान विचोलीए हन कि इह विचोलीए हन, असीं इहनां नूं दसना चाहुंदे हाँ भी विचोलीए तां इह हन जिहड़े अडानी अंबानी इत्थे लिया के किसानां दे जमीना खोहण वास्ते तैयार प्रत्यार खड़े हन। असीं इहनां नूं दसना चाहुंदे हाँ भी पंजाब दे सूरमे हन, इन्हां नूं जमीनां दे विच असीं बिल्कुल नहीं बढ़न देवांगे, जिन्ना मर्जी जतन जोर कर लैन। गुरू साहब साढ़े गुरू साहब जी कह के गए भी ना हक लईए ना हक लैण दईए किसी नूं, असीं किसी नूं भी हक नहीं लैण दिंदे इत्थे। जिहड़े जिन्नी मर्जी सरकार अपना जतन कर लवे, जिन्ने मर्जी साढ़े दे काले काले कानून पास कर देवे, असीं कोई भी पास नहीं करन देवांगे। आउण वाली अपनी 26 तरीक नूं 26-27 तरीक नूं असीं दिल्ली पहुँच रहे हाँ, सारे जथेबंदियां किसान जथेबंदियां पहुँच रही हैं। 5 तरीक नूं असीं वध तों वध किसान जथेबंदियां हुण आपां इकट्ठे हो के सारा अपना 12 बजे तो लैके 4 बजे तक सारा हिंदुस्तान बंद रहेगा, सारे पूरी हमायत देवांगे। असीं सरकार नूं फिर बार बार कह रहे हाँ भी असीं बिल्कुल नहीं यह काला कानून असीं लागू होण देवांगे, असीं बिल्कुल पराली नूं अग लावांगे, ना असीं जुर्माना देना ना देण दी सानूं लोड़ आ। की लगता कल्ले जुर्माने करन दे नाल कल्ली सज़ा देण दे नाल कि यही हल है, क्योंकि कोई होर हल नहीं हैगा, कि सरकार कोई होर हल नहीं कर सकती, कल्ले जुर्माने लाउण दे नाल ही कि पराली का हल निकल जूगा?
ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਓ, ਕਿਸਾਨ ਲਾਉਣੋਂ ਅੜ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਅੱਗ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੀ 8 ਲੱਖ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ, 2-2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਟੇਡੀਆਂ 'ਚ ਬੀਤੀ ਜੀ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਟੇਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। 3-3 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਟੇਡੀ ਹੈ ਜੀ, 3 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੇਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੇਵੱਸ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਕੱਲੀ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਵਿਚਲਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ? ਵਿਚਲਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁਣ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ 9,000 ਏਕੜ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੀਲੀ ਸੁੰਡੀ ਪਈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰ ਬੁਲਾਏ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬੁਲਾਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਬੀਜ ਦਿਉ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ 200 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਬੋਨਸ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾੜੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ 7% ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨਾ ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ 97% ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਪ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਜਾਇਜ਼ 40% ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਥੀਨ ਫੂਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਬਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ, ਹਰ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੰਨੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੋਵੇ ਵਸੂਲੂ ਕਿੱਥੋਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੇ ਮਾਲੀਆ ਤੋਂ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵਸੂਲੇ, ਆ ਸ੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਵਸੂਲ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਸਾਤੋਂ ਕੀ ਵਸੂਲੂ? ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਦੁਰਜੀ ਤਾਂ ਮਿਲੂਗੀ ਸਾਨੂੰ? ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ, ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ? ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਖਾਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੱਜ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਤੇਰੇ ਅੰਡਰ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਲੈਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਖਦੇੜਨ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਤੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ? ਅਸੀਂ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਡਰ ਹੈ? 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮਿਲ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਦੇ ਦੂਗਾ? 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਧੱਕੇ ਖਾਈਏ? ਅਤੇ ਸਾਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵਸੂਲ ਲੂਗਾ ਇਹ? ਅਸੀਂ 1 ਪੰਜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। 260 ਜਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਲੀ ਹੈ, 26-27 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਬੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਉਹ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਧੂੰਆਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਜਾਊਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਧੂੰਏ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ।
दिल्ली दे नाल साडा प्रदूषण टेस्ट करा लो, दिल्ली नाल 1% भी 1% है, दिल्ली दे विच 7% तू है, पहला साडा नुकसान होवे। दिल्ली दा पहला सातों पहला 97% प्रदूषण है जिहड़ा, वह सारा साल है इंडस्ट्रियां ने, बड़े बड़े कारखाने ने, तो बड़िया बड़िया फैक्ट्रियां ने, तो साड़िया जिहड़ियां इंडस्ट्रियां ने साडा प्रदूषण साडा जिहड़ा पानी है वह प्रदूषण कर रही ने, तो होर बड़े प्रदूषण के सारे कारण ने जिहड़े वल कोई ट्रिब्यूनल ध्यान नहीं दे रहा, सरकारां ध्यान नहीं दे रही, सिर्फ टारगेट साडे किसानी नूं बनाया जा रहा है। क्यों क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री भी धूं कर दी, फैक्ट्री भी धूं कर दियां ने, पर इंडस्ट्रियां ते फैक्ट्रियां नूं छड्ड के टारगेट सिर्फ किसानी नूं क्यों किया जाता? क्योंकि किसानी नूं दबाउण वास्ते एक ड्राबा चाहिए, उहनां नूं डराउण वास्ते पैसा मिलता है, जदों जिन्ना डराउणगे उन्ना, सिर्फ इन्होंने 70 साल के वोट तो नोट की नीति की है, लोग नीति तो इन्होंने राज नहीं किया, हिंदुस्तान गरीब नहीं सी, हिंदुस्तान के लोग इन्होंने गरीब करते ने 70 साल के मंत्रियों ने अपन जेबा नहीं भरिया, साडे लोगों का इन्होंने कुछ नहीं किया, साडे सोने की चिड़ी हिंदुस्तान है, सोने की चिड़ी सीगा, अगे भी सोने की चिड़ी रहूगा, पर इन्होंने कोले का काम बनाता, इन्हों को एको नीति है, वोट नीति तो नोट नीति, लोक नीति तो इन्होंने राज नहीं किया। जे साडा हिंदुस्तान कित्थे गया, सन 47 तों पहला साडा 1 रुपया हुंदा सी ते अमरीका दे 4 रुपये हुंदे सी, अज अमरीका दा 1 रुपया साडे 85 रुपये, 344 गुणा साडा देश कंगाल करता 77 सालों के इन्होंने हिंदुस्तान के लोगों वल ध्यान नहीं दिता, सिर्फ अपन जेबा तो अपन तिजोरिया वल ध्यान दिता, ना कोई इन्हों का दीन, ना कोई धर्म, तो कहते सानू धर्म के नाते लड़ाते हैं, कहते जाति के नाते लड़ाते हैं, सिर्फ कुर्सी युद्ध लड़ते हैं, लोग युद्ध इन्होंने नहीं लड़िया, हुण इन्हों असी लोग युद्ध आप लड़ के दिखावे, भी ये लोग ने जोड़े ताकतवर लोग ने, इन्हों दसा भी लोग युद्ध की हों, कुर्सी युद्ध की होंगे, ये आर पार की लड़ाई हूँ असं जित के दिखावे। बिल्कुल, किसान कित ना कि काफ़ी रोस के विच है, किसानों का कहना है कि सरकार दावे कर दियां ने, वड्डे वड्डे किसानों वालों पराली नूं अग लाई जाती है, क्योंकि किसानों की मजबूरी है, किसानों के कोई होर हल है नहीं, इस करके जिहड़े किसान ने पराली नूं अग लाउंदे ने, की लगता है सरकार कहिंदी अग लाउंगे तो असीं परचे दर्ज करांगे? परचे दर्ज करने की जी पॉलिसी है जी, इन्हों एक कहें भी जमीन नहीं हड़पनी, जमीन हड़पण की तैयारी में है, पहले भी कुछ कंपनियां आई ने, उन्होंने जमीन हड़पी हुई है, इतने साड़ी एक लगी सी, पहले साढ़े आलू भी चकती सी, मिर्च चकती सी, सारा कुछ चकती, उस तो बाद इन्होंने 16,000 एकड़ जमीन उन्होंने देती, उस तो बाद सीट एक्ट के एक्ट एक कंपनी है जी 35,000 किला वो ले बैठी है जी। जेडे प्रदूषण की गल है, सानू अफसोस है कि पहलों जेडे माहर सी वह साढ़े नाल नहीं सी, लीडर बयान देंदे सी कि प्रदूषण हैगा प्रदूषण हैगा, हुण वो साडे साइंटिस्ट मौसम विभाग वाले वधाई के हकदार ने, वो सरकारां नूं पिछे छड्ड के सही असलीयत दस रहे हैं, जिहड़ी अज भी जिथे उपर खड़े आ धुआं, जे तुसीं कैमरे नाल दिखाओ, ये 4-5 किलोमीटर की स्पीड नाल चल रहा है, ये तो 2 महीने नहीं दिल्ली तक पहुँचता, जे 17-18 किलोमीटर की स्पीड नाल जां 25 किलोमीटर की स्पीड नाल चलूगी, 250 किलोमीटर दिल्ली है तो महीने बाद उत्थे पहुँचूगा, तो महीने बाद जाता हुआ बनस्पति के नाल लग के जो रात शांत होंगी है, यह सारा धुआं हेठा बैठ जाता है, दिल्ली तक पहुँचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। झूठ बोलती है केंद्र सरकार, झूठ बोलती है कि दिल्ली धुआं जाता, बिल्कुल झूठ बोलती है, अज तो 40 साल पहला जीरी नहीं सी लगती, उस टाइम दिल्ली च हर चौथा बंदा साधा मरीज से, उदो प्रदूषण कितों आ जाता सी, अज हुण तीजा बंदा मरू साधा मरीज है, तो हुण जिहड़ा है वो सारा चिक्कड़ ज्यादा पंजाब दे जां दूजियां स्टेटां दे नाल सिटिया जा रहा है, इंडस्ट्रीज दे सारा जिहड़ा प्रदूषण इंडस्ट्री का, जिहड़ी दिल्ली चों इंडस्ट्री ना कढ़ी सी वो हरियाणे ने उन्हां नूं वेलकम करता, सोनीपत पानीपत दे नेड़े प्लाट करके दिल्ली नूं घेरा पा लिया। रहे जे गल ये जिहड़े खेती कानून सी, एक होर कल दी आई एस ओ छड्डिया होया कि जिहड़ा 3 ब्याज ते ब्याज सी वो माफ़ हो गया, कल इन्हां ने कहता कि जिमीदार ट्रैक्टर की किसी ते माफ़ नहीं होगा, की गल है कि जिमीदार जिहड़े ने हिंदुस्तान दे हिस्सा नहीं हैगे, कि वो जनसंख्या नहीं है, जिहड़े स्कूटरियां ते होर लोन लाए उन्हां नूं माफ़ है, किसान नूं कोई माफ़ नहीं, किसान ते तां इक अंग्रेज़ां वाले वो सैमन कमीशन आया सी, तो उस तों बाद यह आर्डीनेंस उस हालात में आए ने, किसान नूं ये मारू नीतियां ने, बाकी बचाउण दा हल नहीं हैगा, कोई होर हल नहीं कढ़िया जा सकता, सिर्फ अग ही हल हैगा, की लगता तुहानूं? कढ़िया जा सकता जी, जे गौरमेंट संजीदा होवे, जे सरकार संजीदा होण तां हल कहड़ा निकलदा, अजे भी बहुत सारिया जिहड़ियां सरकार तो बिना पंजाब दे विच भी, ये नहीं कि साडे खेती विरासत मिशन वाले आ, साडे भगत पूर्ण सिंह वाले आ, अजे भी कुछ इदां दे किसान ने जिहड़े 40% अजे भी इदां दे किसान ने जिहड़े अग नहीं ला रहे, जे कुछ ला रहे आ तो उन्हां दी मजबूरी आ,
उन्होंने शायद पता नहीं गा सरकार पता नहीं वेसने हुई पे 80% जिहड़ा किसान आ वह खेती छोटी वाला हो गया 5 to 2.5 acres के जिहड़ा किसान रह गया 2.5 to 5 acres वाले किसान की तो रोटी मसा पूरी हो रही है ना वह लोहा पूरा हो रहा आम किसान तो जिहड़ा पंजाब के हालात आ कि किसान करजे च ही जमदा तो करजे च ही मर जाता है जे संघर्ष संजीदा हो हल निकल सकता इदा की कोई गल नहीं हैगी गल रही प्रदूषण की दिल्ली के 55,000 जी इंडस्ट्री आ दिल्ली के 4400 इंडस्ट्री यहोजी आ जी गैर कानूनी ना गलत तरीक ना रहायशी इलाकों के जी पास हुई हुई है उन्होंने कई बार नोट्स भी आ चुके आ फिर भी वो सरकार की मिली भुगतना चल रही ने जिस पास सरकार को ध्यान देने की लोड़ आ उस पास सरकार देंदी नहीं सारा ब्लेम गेम जो भी आ 19-21 करके रह जाता किसान इन्हों सारा कुछ ही किसान क्यों करता है किसान के भी बच्चे आ किसान का परिवार आ किसान तो 10-15 दिन अग लाता आ ते वो बिल्कुल इस गल का बिल्कुल भरम भुलेखे पाए जाते हैं कि किसान करता है बड़े दुख की गल है जिन्ना भी नैशनल मीडिया वा वो सर इस गल नूं हाईलाइट करी जाता कि किसानों करोड़ का जुर्माना करेगा किसान कितों किसान तो नौबत ही है नहीं करोड़ की किसान तो अपना बच्चे नहीं पढ़ा सकता अपनी एजुकेशन नहीं दे सकता अपने जिंदगी जी सुखाली वह नहीं जी सकता मजदूर तो किसान की तो इन्नी बदतर हालत हो चुकी आ कि पंजाब दे विच तक पिंडा दे पिंड वकाऊ आ एक एक पीढ़ियां जिहड़ियां वा चार चार जिहड़े किसान जिहड़े आत्महत्या कर रहे तुहानूं पता होगा बरनाले जिले दे विच कपोतना पिंड आ जिथे चार जिहड़े किसान इक्को ही फैमिली दे खुदकुशियां कर चुके आ इदां दे बहुत परिवार ने पिंडा दे पिंड वकाऊ आ गल प्रदूषण की करदे आ देखो घग्गर दरिया चलता वत्थों मोहाली तो चंडीगढ़ तो सारा देखो मानसा तक चला जाता जो बद्दी का जो सारा इंडस्ट्री का चं जो प्रदूषण पानी सारा घग्गर पैंदा इदा ही बुढ़े नाले लुधियाने की गल कर लिए अजे तक नहीं साफ होया पंजाब सरकार को साढ़े लागे पातना एक शूगर मिल सी उत्थे शराब की फैक्ट्री बन गई उत्थे कई दिन संघर्ष चलता रहा पातना दे विच लेकिन की आ कि वह पैसे वाले आ कोरपोरेट घराणे ने लिंक उन्होंने बनते आ उत्थे उल्टे परच किसानों ही करते जोड़े धरने देंगे सके अं चैलेंज करते हैं साढ़े ना के देखो उत्थे पानी उन्होंने हाँ जी हाँ सारा कुछ उत्थे इदा ही चल रहा जी जिन्नी वड्डी इंडस्ट्रियां ने वो सारा फायदा जिहड़ा कोरपोरेट घराणे नूं मिल रहा जो ये कमीशन बनते जिदा इन्होंने कमीशन बनाया कमीशन खाना पूर्ति करते उन्होंने को पैसे लेंदे उन्होंने क्लीन चिट दे देंगे तो उदा ही चली जाए ने किसान का तो एवं बेफजूल गला घुटिया जा रहा पर कोई गल नहीं जिन्ना किसी चीज़ को दबाने उन्ना ही रोस के आ रहे अज जिन्ना ही रोस 70 साल का लताड़ा किसान मजदूर आम बंदा अज जा चुका आ इस करके जी एक नवी जाग लगी है नवी सवेर हो जा रही आ इन्ह के जड़ा ना जड़ा हिला दिखाई जाएंगे इन्हों जड़िया की लगता अग लाओगे क्योंकि सरकार कहदियाँ कि असी परचे दर्ज करा जेकर अग लाओगे बिल्कुल लावे जी असी चैलेंज करते हैं जिन्ना भी प्रशासन खेतीबाड़ी से संबंधित पंजाब के अदारे आ जिन्या यूनीवर्सिटिया के जेडे जिन्हें भी इन्हों दसन वाले जो केंद्र आ असं उन्होंने चैलेंज करते हैं कि जेडे बंदे ने आलू बीजने सब्जी बीजनी है मटर लाने सानू पैली तैयार कर दे उन्होंने मूँह मंगया ही इनाम देवे उत्थे बह के पॉलिसी बनाते जमीनी हकीकत आके वेखण तो सही कि जिमीदार तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता 80 रुपये लीटर तेल हो चुका है 80 लीटर तेल हो चुका है तो 5,000 का तेल एक आम किसान कितों कितों ले आऊगा जी ठीक है ना दावे क्यों सरकार करती है कि इसका हल हैगा किसान कर सकते ने किसान आप नहीं करते हल जेड़े किसान कर रहे जी वो कर ही रहे हैं देखो बड़े किसान आ मैं तुम्हें पहले भी जिक्र किया कि जिदा विरासती मिशन वाले आ जां होर आ भगत पूर्ण सिंह वाले आ अपने तौर पर बड़े ऑरगैनिक खेती भी कर रहे हैं किसान करना चाहता आ किसान का कोई कसूर नहीं पर गरीब किसान कितने जाऊगा गरीब किसान की जेकर गल करिए कि गरीब किसान बगैर अग लाए अपनी फसल उगा लूगा बिल्कुल नहीं लाऊगा जी गरीब किसान अग लाऊगा असी उन्होंने सिर पर खड़ांगे जी उन्होंने कोई रोकूगा असी उन्होंने कोल खलो के आप अग लवावे जां उन्हां दा हल कर दे सरकार असीं तां कह रहे हां कि जिहड़े बंदे उत्थे बंद कमरे च बह के प्लैनिंग करदे साडे नाल ग्राउंड लैवल ते आ जाण खुला सद्दा ही दिंदे उन्हां नूं तुहाडे जरिए दे असीं तुहाडा धन्नवाद भी करदे कि तुसीं इक किसानां दी आवाज़ बन के आउंदे हो असीं खुला चैलेंज करदे उन्हां नूं ग्राउंड लैवल ते आके साडे नाल बह के एक दिन दो दिन महीना 10 दिन जिन्ना भी साडे नाल डिस्कस करना करन नूं असीं तैयार हाँ असीं अग नहीं लावांगे सानूं हल दे देण क्यों सरकारां पंजाब दी आवाज़ नहीं बनदियां क्यों एसी वाले कमरे च बह के नवे रूल बना दिते जाते ने कहा जाता है कि जेकर किसान अग लाऊगा असी जुर्माना करांगे 1 करोड़ जुर्माना करांगे उन्हें सज़ा भी करांगे बजाय उसका कोई हल क्यों नहीं कढ़िया जाता जो कुर्सी युद्ध है ये टारगेट ही पंजाब बनाया जाता है क्योंकि दिल्ली के जे हुकूमतों खदेड़न वाला जुल्म के खिलाफ लड़न वाला तो आवाज़ उठाने वाला
एक पंजाब का सूरबीर कहान किसान है जेकर इन्होंने निशाने पर है बे एक बारी पंजाब के किसान दबा दो फिर सारे हिंदुस्तान से जो मर्जी कानून लागू कर दो खिलाफ कोई आवाज़ बुलाने वाला नहीं होगा। इसलिए पंजाब की किसानी दबाने हर एक पहलकदमी की जाती है। ये ही साडा खुदमुख्तारी का मुद्दा या वक्रा स्टेट का मुद्दा इन्होंने वितकरे कारण ही साढ़े पैदा होए साढ़े वितकरेबाजी के सेंटर सरकार के खिलाफ बड़िया लड़ाइया लड़िया पंजाब ने बड़े संताप भोगे साढ़े बेकसूर नौजवान झूठे पुलिस मुकाबलों के मारे गए। ये सरकार दद नीतियां थी वो ही साढ़िया रोहपूर्ण लड़ाइया हुई साढ़े नौजवानों ने बड़े गलत भी हथियार भी चके तो कुछ भी भावुक भी होए उन्हें अपने दायरे तो बाहर जाके भी उन्होंने लड़ाई लड़नी पई उन्हें संताप साढ़े पंजाब ने भोगया पंजाब की जवानी ने भोगया। इसलिए केंद्र दी सरकारां टारगेट सानू पंजाब नू बनाउंदे ने क्योंकि पंजाब ही मोहरी है जे इन्हां दे जुल्म दे खिलाफ इन्हां दे काले कानूनां दे खिलाफ आवाज़ बंद करदा है तो इन्हां दी आवाज़ नू बंद दी जे ताकत रखदा है तो पंजाब ही है क्योंकि यह दसवें गुरु गोबिंद साहब गोबिंद सिंह जी की औलाद है उन्होंने शिक्षा के उन्हों की शिक्षा के अनुसार कुरबानियां देने वाली कौम है ये मरण वाली जो कौम है ये नीहां दे विच बच्चे चनाउण वाली कौम के वारस ने इस गुरु के सेवक सिख ने केंद्र की आवाज़ में जे दबा सकता तो पंजाब का किसान दबा सकता है। इसलिए यह टारगेट ही पंजाब के किसान बनाते हैं। की लगता अग लगाए बगैर गुजारा नहीं है अग जेकर ना लाइए उस तो बगैर फसल नहीं बीजी जा सकती। नहीं अग लगा बिना तो फसल का कोई हल नहीं है क्योंकि बहुत आप जो कहने कि आप कणक बीजते हाँ बड़े खर्चे आ कि बहुत दिक्कत होगी किसान। हाँ जी तो हर किसान नहीं अपना मशीन की है नहीं है कि हजे बहुत मंग आ छोटे किसान तो व्डे किसान अपना गुजारा कर रहे हैं सारे नहीं कर सकते कुछ संस्थावान भी साथ दे रही ने पर छोटा किसान इस टाइम लाचार है। की लगता लंबे समय तो हर साल सियासत होंगी है पराली के मुद्दे को लैके क्यों सरकार हल नहीं कड़दियाँ सवाए हल कड़न के परचे की गल की जाती है जुर्माने की गल की जाती है पर हल नहीं कड़िया जाता। देखो जी हल की गल करिए जे आप सेंटर सरकार करिए सेंटर सरकार की गल करिए शुरू तो वितकरा पंजाब ना हुंदा रहा जिदा कि मोदी सरकार आ धर्म के नाते राजनीति आ कभी राम मंदिर बन गया कभी कुछ पंजाब बिल्कुल इस टाइम खत्म है तो अत्तवादी होने का पंजाब नूं पहले ही ठप्पा लग चुक है। इसलिए नौजवान तो हम यही कहूगा कि असी मरन के किनारे ते आ साढ़े अपन जमीन खोल लिया जाएगियाँ तो मरण तो चंगा ही है कि असी अत्तवादी बन के क्यों ये जी काले कानून खिलाफ सरकार ना मत्था लाने लिए असं बिल्कुल तैयार हाँ। की लगता चलो मोदी सरकार की गल की जेकर केंद्र सरकार किसानों के हक च नहीं खड़ती पंजाब के किसानों के हक च नहीं खड़ती गल तो सूबा सरकार भी नहीं करती पंजाब के पक्ष की। सूबा सरकार यही गल है कि हजे 2022 भी नेड़े है तो पर सरकार चुप है हजे क्योंकि प्रैशर तो कितना ना कितने सरकार से भी है पर जे गल करिए कि किसान हुण बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है तो पंजाब क्योंकि तुसी आप देख सकते हो नौजवान पंजाब छड़ के बाहर जाते इतने जिन्हें भी नौजवान खड़े आ हरे कहिंदा मेरी फाइल लगी आ जां मैं लाउणी आ तां क्योंकि सानू देखदा पिया कि साडा भविख इत्थे नहीं आ क्योंकि जमीना खोह लईआं जाणगीआं प्राइवेट सैक्टर आजूगा तां साडीआं पीढ़ियां करजा लाउण च चल जाणगे। इस तो चंगा कि किसान यही सोचता कि थोड़ी जमीन वेच के अपने बच्चे नूं बाहर भेजा जाए क्योंकि इत्थे उन्हां नूं कोई फ्यूचर नहीं दिखता वह आप रुल चुके आ तो बच्चे रुलण लई अगों तैयार आ। की लगता पहलां तुहाडे बजुर्ग धरनिआं ते बैठे रहिंदे सी अपनी हक्की मंगां नूं लै के लड़दे रहे कि हुण नौजवान पीढ़ी भी इस तरह ही लड़ती रहू कोई हल ही नहीं निकलूगा खेती का। पहलां नौजवान इन्ना साथ नहीं सी दे रहे पर हुण नौजवानां नूं भी पता लग गया कि इस तों बाद तां ये लास्ट आ पानी सिर तो उपर चला गया इस तों बाद तां किसानी भी खत्म है किसान भी खत्म है तो इसलिए असी नाल खड़े हाँ अपने हकों लिए असी वध तो वध चढ़ के हिस्सा साढ़े रोल मॉडल जिन्ने सिंगर आ सारे साढ़े नाल आ तो सारे जागरूक हो चुके हैं तो असी अपने हकों लिए लड़ांगे। इस तो बाद असी हुण इंतजार नहीं करांगे किसी सरकार का कि कोई सरकार आऊगी सानू फिर लारे लाऊगी असी 2022 तो बाद हल करांगे जां फिर करांगे तो सेंटर तो सानू कोई उम्मीद नहीं आ तो पंजाब सरकार कांग्रेस सरकार वैसे भी हाथ खड़े कर चुकी आ वो तो एक कठपुतली बन के उत्थे बैठी सिर्फ एक भरमारी है किसानों पर असी हुण इन्हां दी गल्लां विच आउण वाले नहीं। हाँ जी अग लाऊंगे असी जे अग दा हड लवे हैगा मसला हल ये कहिंदे वी अग ना लाओ सानू खुला सद्दा ही देना असी पोस्त दी खेती करिए पोस्त बीजिए साडी आमदन वधूगी
ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਗ ਸਾਡੀ ਹੈਗਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਪੋਖ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਆਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵਪਾਰ ਵਧਾ ਲਓ, ਫਲਾਣਾ ਕਰਾ ਲਓ, ਧਮਕਾ ਕਰੋ, ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚੋ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚੋ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਐਮ ਪੀ 'ਚੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੋਖ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੋਖ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਾਉਣ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਅੱਗ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੋਖ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬੀਜ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਕਾਫੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀ ਵੀ, ਸਮਾਣਾ।